आज का हमारा टॉपिक है टाइपिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो है टाइपिंग। इंग्लिश का टाइपिंग करना कैसे सीखें, इंग्लिश का टाइपिंग करना कैसे सीखें, ओनली फॉर 20 डे में। कितने दिन में? 20 डे में। लेसन वाइज करवाएंगे विदाउट एनी लैपटॉप एंड मोनिटर। मेन पॉइंट तो यही है, बिना किसी लैपटॉप के और बिना किसी मोनिटर के हम सब 20 डे में टाइपिंग सिखा देंगे। हेलो गाइज, मेरा नाम है मिथिलेश जायसवाल, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल क्विक लर्निंग पे। चलिए हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला मेन पॉइंट आता है, 20 डे में पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, अगर आप ऑनेस्टली आप अगर लेसन वाइज के अकॉर्डिंग 20 डे दीजिएगा तो वो पॉसिबल जरूर होगा। पहला लेसन में हम सब जो लेंगे तो पहला लेसन जो होगा वो होम रो का प्रैक्टिस होगा। किसका होगा? होम रो की का, होम रो की का प्रैक्टिस होगा। सेकेंड लेसन जो होगा उसमें अपर लो का होगा, UPPER अपर रो की का होगा। तीसरा लेसन जो होगा हमारा, तीसरा लेसन जो होगा वो होगा लोअर रो, जिसको डाउन लो भी कहते हैं, डाउन लो भी कहते हैं। किसको? लेसन नंबर 3, जो नीचे का जो होता है उसको डाउन लो भी कहते हैं। मैं आपको अपने कीबोर्ड में दिखा रहा हूं, ये है गाइस, ये है फ्रेंड मेरा अपर लो, ये है होम लो और ये है डाउन लो। आज लेसन 1 में जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं होम लो की। किसकी? होम लो की। कौन कौन सा आएगा उसमें? ए आएगा, एस आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, जे आएगा, उसके बाद के आएगा, एल आएगा और इसको कहते हैं सेमी कोलन। क्या कहते हैं? सेमी कोलन। तो आइए लेसन 1 की तरफ बढ़ते हैं। हम लेसन 1 में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड है एंड राइट हैंड है। क्या है? लेफ्ट हैंड है एंड राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड में क्या होगा हमारा? ए एस डी एफ, ठीक है, और उसके बाद स्पेस सेमी कोलन एल के जे। क्या होगा? सेमी कोलन एल के जे। बहुत इस सिंबल को बहुत स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, ये कौन सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों मेरे सेमी कोलन, एस ई एम आई, सेमी सी ओ एल ओ एन, सेमी कोलन। इस तरह के सिंबल को क्या कहते हैं? सेमी कोलन कहते हैं। और ये जो होगा आपका फर्स्ट डे किया जाएगा प्रैक्टिस, इसका जो होगा फर्स्ट डे किया जाएगा, ठीक है, और ये किया जाएगा सेकेंड डे, और ये जो किया जाएगा ये किया जाएगा थर्ड डे। सेकेंड डे और ये किया जाएगा थर्ड डे, थर्ड डे। तो और ये जितना भी होगा, ये जितने भी चीज का प्रैक्टिस होगा ये होगा होम रो पे। किस पे होगा? ये होगा होम रो पे, होम रो की पे होगा। किस पे होगा? होम रो की पे होगा। चलिए हम सब लेसन 1 में देखते हैं। लेसन 1 में आता है लेफ्ट हैंड की तरफ ए एच डी एफ, उसके बाद स्पेस आता है, उसके बाद सेमी कोलन एल के जे। ये करेंगे हम फर्स्ट दिन। कितने दिन करेंगे? फर्स्ट दिन करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड डे क्या करेंगे? ए एच डी एफ जी एफ। सेकेंड डे क्या करेंगे? ए एच डी एफ जी एफ। क्या चेंज हुआ? सिर्फ 2 अल्फाबेट बढ़ गया। कितने अल्फाबेट बढ़ गए? 2 अल्फाबेट बढ़ गए। फिर उसके बाद स्पेस देंगे, सेमी कोलन देंगे, एल के जे एच। इसमें भी क्या हुआ? 2 अल्फाबेट बढ़ गए। कौन सा? जे और एच। अब उसके बाद क्या करेंगे? जी एफ एफ डी एस ए। अब उसके बाद क्या करेंगे? जी एफ डी एस ए, और ये तीनों होगा होम रो की पे। उसके बाद स्पेस देके एच जे के एल सेमी कोलन। अगर आप देखो तो इस दोनों का रिवर्स है ये, इस दोनों का क्या है? रिवर्स ये है ये, ठीक है। मैं आपको चिंता ना करें, मैं आपको अपने टाइपिंग पर भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। उसके बाद जब ये फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन, ठीक है, आप 2 आवर ऑनेस्टली दे देते हैं, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आप ये 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड और 4 लेटर वर्ड ऑटोमेटिक आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा की कहाँ दबाना है, कौन सा ऑटोमेटिक आप जो है दबा लोगे। और ये जितना भी है प्रैक्टिस में जितना भी वर्ड है ये आप देखें तो होम रो के
यहां से लेके यहां तक के टू ले टू टू अल्फाबेट को पिक करके बनाया गया है। कितने अल्फाबेट को पिक करके बनाया गया है? टू लेटर टू अल्फाबेट को पिक करके बनाया गया, थ्री लेटर अल्फाबेट को पिक करके बनाया गया, फोर लेटर अल्फाबेट को पिक करके बना गया है ये वर्ड। ठीक है, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब ये हमारा थ्री डे कंप्लीट हो जाएगा तब फोर्थ डे में इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये तुरंत हो जाएगा। कम से कम इसके वन मिनट लगेंगे यहां से लेके यहां तक आप सबको टाइप करने में। अब मैं अपने कीबोर्ड की तरफ लेके चलता हूं। वेट करवाने के लिए सॉरी फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने होम रो पे फिंगर रखा हुआ है और ये वाला जो है जाएगा ए पे, उसके बाद जाएगा ये वाला एस पे, उसके बाद जाएगा डी पे, उसके बाद जाएगा ये एफ पे। ठीक है, और ये जाएगा सेमी कोलन पे, एल पे, के पे, जे पे, और यही इस दो फिंगर से ही हम कमांड करेंगे जी और एच को। किससे कमांड करेंगे? जी और एच को। जैसा कि आप सब देख रहे हैं आपके नीचे में जो हमने प्रैक्टिस लिखाया था ये उसी प्रैक्टिस पे अभी हम टाइप करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ए एल, तो हमने दबा दिया ए एल। क्या लिखा हुआ है? एच डी, हमने दबा दिया एच डी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एफ एस, एफ एस, के डी, जी एफ, ए एच, जे ए डी, एफ एच एच, उसके बाद जे ए डी ए, डी जी एच जी, जे डी एस एच, एस एच एफ एस, के एस डी एफ, सॉरी एफ, के एस डी एफ, एफ डी एस एच, एल के डी एफ, डी एच जी एच, जे एस डी के, सेमी कोलन के जे, सेमी कोलन एफ, सेमी कोलन एस डी स्पेस डी, सेमी कोलन एस के ए एफ जे। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसी तरह यहाँ पर करना है आपको लगातार कंटिन्यू। ये तो मैंने प्रैक्टिस बता दिया, मैंने जब लेफ्ट हैंड बताया था इससे पहले हमें वही बताना था लेकिन ध्यान से उतर गया था। मैं पहले बताऊंगा आपको लेफ्ट हैंड की, तो उसी तरह लिखना है। उसके बाद लिखना है ए एस डी एफ स्पेस सेमी कोलन एल के जे स्पेस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड दिन जो कीजिएगा आप प्रैक्टिस तो वो ए एस डी एफ, फिर उसके बाद जी एफ, जी का फिंगर यहाँ लाना है फिर ऊपर रिवर्स में लेके चल जाना है इस फिंगर को, स्पेस सेमी कोलन एल के जे एच एच जे, इसको भी रिवर्स ला के जे पर ला देना है, सेमी कोलन एल के जे एच जे स्पेस। उसके बाद हम तीसरा दिन जो करेंगे तो तीसरा दिन करेंगे रिवर्स में, अब टोटल रिवर्स में जाएगा जी एफ डी एस ए उसके स्पेस, उसके बाद इस ये भी लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का भी फिंगर रिवर्स में जाएगा एच जे के एल सेमी कोलन। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। एक वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि कौन सा फिंगर किस पे रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर टू, उसमें हम अपर की के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महेश मतिक।